वेरिएंट से खौफ खाए ब्रिटेन ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर पिछले कुछ महीनों में कई बार अपने यात्रा नियमों में बदलाव किए हैं, लेकिन भारत यात्रा को लेकर लंबी खिंचती मुश्किलें एक नए विवाद को जन्म दे रही हैं। अब ब्रिटेन पर भारत के साथ भेदभाव के भी आरोप लग रहे हैं। दरअसल भारत और ब्रिटेन के बीच बार बार बदलते यात्रा नियमों से विवाद पैदा हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटेन में अब नए यात्रा नियमों के मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन लेने वालों को टीका लिया हुआ माना ही नहीं जाएगा, जबकि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लेने वाले लोगों को मान्यता दी गई है। भारत ने इन नए नियमों पर आपत्ति जताई है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने ब्रिटेन के नए विदेश सचिव से मुलाकात के दौरान इस मामले को उठाया। उन्होंने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया है। भारतीय विदेश मंत्री ने आपसी हित में क्वारंटाइन मुद्दे के जल्द समाधान का आग्रह भी किया। आपको बता दें कि भारत के सीरम इंस्टीट्यूट में बने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन को ही कोविशील्ड नाम दिया गया था। इस पूरे मामले को लेकर बैकफुट पर आई ब्रिटेन की सरकार की तरफ से नए यात्रा नियमों को लेकर सफाई भी दी गई है। 4 अक्टूबर से लागू होने वाले नए नियमों पर भारत की चिंताओं के बारे में पूछे जाने पर ब्रिटिश उच्चायोग के प्रवक्ता ने कहा कि यूके इस मुद्दे पर भारत के साथ बातचीत कर रहा है। जितनी जल्दी हो सके अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को फिर से खोलने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। दरअसल ब्रिटेन ने अपने कोरोना यात्रा नियमों में बदलाव कर दिया था, जिसके तहत जिन भारतीय यात्रियों को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन लगी है उन्हें अनवैक्सीनेटेड माना जाएगा और ब्रिटेन यात्रा के बाद 10 दिनों तक उन्हें सेल्फ क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा।